सिर्फ बातें कर सकते हो शफीक, सिर्फ बातें। मुझे तो लगता है कि फातिमा की शादी भी मुझे करनी पड़ेगी। अब देखो, अनीका है, यतीम बच्ची है, उसके सर पे बाप का साया नहीं। अगर देखा जाए तो तुम्हारा होना ना होना भी एक बराबर है। बाबा, आपके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए। ठीक है बेटा। बाबा, आपको वो मेरी दोस्त सानिया याद है? कौन सानिया बेटा? वही जो आपको अंकल जी कहती है। अक्सर जब आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने आते हैं तो आपको सलाम भी करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, वो दुबली पतली सी तुम्हारी एक दोस्त। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात उसकी अम्मी से हुई। अच्छा। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। पता है उनकी अम्मी क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। लेकिन पता है मैंने उनसे क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मैं अच्छी हूं तो इसमें कमाल सिर्फ मेरे बाबा का है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, अपना सब कुछ मुझ पर लौटा दिया। बाबा, मैं बहुत लकी हूं जो मुझे आप जैसे बाबा मिले। तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या दिया है तुम? कुछ भी नहीं। आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, ईमान की दौलत। आपको पता है बाबा, दुनिया के बहुत सारे वालदैन सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र करते हैं, लेकिन आपने तो मेरी आखिरत की भी फिक्र की है। मेरे अंदर जो खौफ खुदा है वो आपका ही तो दिया हुआ है बाबा, और ये खौफ खुदा ही तो है जो मुझे दुनिया के बहुत सारे नुकसान से बचा लेता है। बाबा, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तो ये देख रहा हूं बेटियां खुदा की कितनी बड़ी रहमत होती, कितनी बड़ी। अच्छा चलें, अब जल्दी से तैयार हो जाएं, मुझे भी तैयार होना है। जल्दी से। ठीक है। आप लोग क्या रहा? हाँ भैया, आज तो तुम बड़ी कमाल की लग रही हो। ये जो तुम अपने आप को कवर करके रखती हो ना, उसमें तुम्हारी ये सारी खूबसूरती छुप जाती है। औरतों को खुद को कवर ही रखना चाहिए, ये तो मेरे अल्लाह का हुक्म है। उनकी हया में ही उनका हुसन होता है। मेरी बेटी को नजर मत लगाओ,
जी जी, मैं भी यही कह रहा था कि इसी में खूबसूरती। आओ फातिमा, मैं तुम्हें मिसेस घांची से मिलवाती हूँ। जी गई थी तुम। तुम्हें कोई काम कहने का मकसद ये है कि बंदा अपनी जान से जाए? कभी तो फातिमा कोई काम वक्त पे कर लिया करो। चाची वो क्या ये वो लगा के रख? अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़े बहस सब खत्म हो गया हो और अगर आपकी वजाहतें खत्म हो गई हो, हम मुझे जूस दे देंगे, मुझे बहुत चक्कर आ रहे। मैं पिलाती हूँ तुम्हें भी, ये लो। I'm sorry. बदतमीजी है ये। पूरा ड्रेस खराब कर दिया, सॉरी का क्या मतलब है? कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। वो गलती से गिर गया। तुमने सब जानबूझ के किया है। झूठ ना बोलो मुझसे, मैं जानती हूँ जानबूझ के करा है तुमने। तुम चलती हो ना अनिका से? मैंने पहले भी कितनी दफा ये बात नोट की है। नहीं चाची ऐसी बात नहीं है, वो गलती से मेरा पांव स्लिप हो गया। बनता है तुम्हारा जलना। तेरी बेटी की मंगनी जो हो रही है, तुम्हारी कहीं बात भी पक्की नहीं हुई। हासे दो ना तुम। अल्लाह बचाए मेरा हासे दो से। शक्ल क्या देख रही हो? ये नहीं कि जल्दी से जाके कोई कपड़ा ले आओ, साफ कर दो, तमाशा बना दिया तुमने सबके सामने। जाओ जी, मैं लेकर आती हूँ। सॉरी अनिका। जल्दी, मैं ले आती हूँ। मैं ले आती हूँ। क्या करती है? मतलब घर में इतने मुलाजिम, उसके बावजूद भी आप क्यों इसे कहती हैं? मूड खराब कर, देखो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ऐसे नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा, अभी साफ हो जाएगा। ये तो मसले की बात नहीं है, हो जाएगा। परेशान, रिलैक्स हो जाओ। रह गई है, मूड खराब ना करो मेरी जान। तुम्हारा दिन है ना आज, मूड खराब ना करो। देखो सब देख रहे हैं। शाबाश। क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? नहीं बस ऐसे। हाँ लेकिन तुम रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। ऐसे तो कोई नहीं रोता। बताओ मुझे क्या बात है? वो अम्मी की याद आ रही थी। हाँ काश मुमानी जान भी यहाँ होती तो आज हमारी खुशियों में शरीक हो सकती। माँ का तो कोई नेमल बदल नहीं होता, उनके लिए दुआ किया करो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। मुताहिर जी अम्मी। बेटे तुम यहाँ खड़े हो, सब तुम्हें तलाश कर रहे हैं। बड़ी भाभी जी कितनी बार पूछ चुकी है कि मुताहिर कहाँ है, रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो आओ, शाबाश, चलो।